देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन द्वारा अपने दूसरे स्थापना दिवस के मौके पर सोलन के कांगड़ा हमीरपुर मैत्री सभा हॉल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के लोगों द्वारा करीब 120 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया था। रक्तदान शिविर के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजेश कश्यप मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन द्वारा अपने द्वितीय स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन करना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि रक्तदान समाज के लिए एक बेहतर संदेश है, क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति की जान बच सकती है। वहीं दूसरी तरफ देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन सोलन के प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा अपने द्वितीय स्थापना दिवस के मौके पर सोलन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 120 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें भरपूर सहयोग लोगों द्वारा उन्हें मिला है। मैं अशोक चौहान, देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन जिला सोलन का अध्यक्ष। आज हमारा जो देवभूमि का दूसरा स्थापना दिवस है, और इस उपलक्ष पर आज हमने सोलन के अंदर एक ब्लड कैंप रखा है, जिसमें कि हमारा लक्ष्य है कम से कम 120 यूनिट ब्लड डोनेट करने का, और अभी तक इसमें लगभग 30 से 40 यूनिट डोनर दे चुके हैं, और अभी शाम 4 बजे तक जो है कैंप ऐसे ही जारी रहेगा, चाहे वह 120 से ऊपर हो जाए, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 120 यूनिट हमने आज डोनेट करना है। एक बहुत बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, ठीक है, और आज इनका द्वितीय जो है स्थापना दिवस भी है। मैं अपनी ओर से पूरी टैक्सी यूनियन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक ब्लड डोनेशन की बात है, मैं ये समझता हूँ कि ब्लड डोनेशन जो है ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि खून एक ऐसी चीज़ है जो कि फैक्ट्री में नहीं बनता है। और दूसरी बात यह है कि खून जहाँ पे या ब्लड जहाँ पे यूज़ होता है, तो वहाँ पे ब्लड ही यूज़ होगा, वहाँ पे और कोई इसका अल्टरनेट नहीं है। इसलिए खून का एक एक कतरा जो है वो हमारे जो मेडिकल फील्ड है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए रक्तदान जो मैं कहूँगा वो महादान है। सभी टैक्सी यूनियन भाई जितने भी यहाँ आए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आज ये धर्म का कार्य किया है कि आज यहाँ पे जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। न्यूज डेस्क N1 लाइव।